पार्ट ऑफ द ट्रिप, इसको छोड़ के जाना खुशी से ज्यादा दुख है. नो 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 तो आई थिंक मैं इतना लंबा ट्रिप जो है कर रहा हूँ करीब करीब 1.5 साल 2 साल बाद. लास्ट मैंने किया था जनवरी में और अभी मैं निकल चुका हूँ स्पीति वैली के लिए फ्रॉम बैंगलोर टू स्पीति वैली. तो मैंने ट्रिप को जीरो सेट कर दिया है ट्रिप भी को, और डिस्टेंस आज का जो मैंने टारगेट किया है कि नागपुर तक जाने की कोशिश करूँगा. डिपेंड करता है कि अगर लेट होता है या फिर कुछ होता है तो शायद मैं थोड़ा कहीं रुक जाऊँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि अकेला मैं निकला हूँ. तो टारगेट है कि नागपुर तक आज पहुँच सकूँ तो अच्छी बात है, लेकिन नागपुर तक गूगल मैप दिखा रहा है 1 बजे तक. तो 1 बजे रात तक मेरे को ड्राइव नहीं करना है, मैं मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक किसी होटल में मेरे को पहुँच जाना है. टारगेट यही है और जितना होता है खींचता हूँ आज, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम जो साउथ इंडिया में रहते हैं दिल्ली तक जाना सबसे इरिटेटिंग चीज़ है. दिल्ली जाओ फिर वहाँ से वापस आओ, तो करीब करीब जो 4,500-4,000 किलोमीटर होता है ना वो फालतू का पड़ता है, जिसका कोई मतलब रोड अच्छा नहीं है, मतलब रोड अच्छा है इन द सेंस सिर्फ रोड नहीं है, मतलब ड्राइविंग में मज़ा नहीं आता, बोरिंग रोड है. वो हिमालयन बाइक है और केरला टू लद्दाख, लद्दाख जा रहा है ये लोग. अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अनंतपुर के पास में. तो मैं अभी किया का जो फैक्ट्री है अनंतपुर से पहले है, आई थिंक 30 किलोमीटर पहले होगा, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और रुक के सोचा कि थोड़ा घर से मैं ब्रेकफास्ट लेके आया था वो कर लेता हूँ. तो घर से करीब करीब मैं 170 किलोमीटर आ चुका हूँ. कितने घंटे में, अभी टाइम कुछ 9:30 हो रहा है और आराम से मुझे लगता है 30 मिनट के आसपास या 45 मिनट का ब्रेक लिया होगा मैं. अब निकलते हैं. तो यहाँ से जो बेसिकली बैंगलोर से जो दिल्ली तक का जो रूट है, इस रूट पे मेरे को ज़्यादा रुकना उकना नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको कवर कर लूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट इस रूट को एक्सप्लोर करना नहीं है, मतलब मेन है कि मैं स्पीति पे ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ. और दिक्कत यह है कि थर्सडे नाइट को शायद हम लोग निकलेंगे स्पीति के लिए, तो थर्सडे नाइट को मेरे को मतलब मुझे वेडनेसडे तक वहाँ पहुँचना है ताकि मैं कोविड टेस्ट भी करवा सकूँ. अगर RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट वहाँ मांग रहा है तो चाहिए होगा वो, तो इसलिए किसी भी हालत में वेडनेसडे पहुँचना होगा और टेस्ट के लिए देना होगा स्वैब. तो ये टारगेट लेके मैं पढ़ रहा हूँ और आज मंडे है 27th of September. ज़्यादा टाइम हाथ में है नहीं मेरे, मतलब मैं ज़्यादा रुकते वगैरह नहीं जा सकता हूँ, तो इसलिए सोचा कि नागपुर तक ट्राई करते जाने का, अगर जा पाए तो ठीक है, नहीं तो उसके पहले जहाँ पर भी होगा रुकेंगे, लेकिन वेडनेसडे आफ्टरनून तक कम से कम दिल्ली पहुँच जाना है ताकि वहाँ का काम हो जाए. वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है, डाइवर्जन लेके जा रहा हूँ. वहाँ पे रोड पे आई थिंक किसी चीज़ का तो ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके कारण उधर का रास्ता बंद कर दिया है. तो ये सर्विस रोड पकड़ लिया हम लोग, यहाँ पे बंद, यहाँ बीच रोड पे लोग बैठे हुए हैं. चेक दिस, अगर आ रहा है कैमरे में तो यस, सी दिस, बीच रोड पे लोग बैठे हुए हैं. ज़्यादा लोग नहीं है, हार्डली आई थिंक 15-20 लोग होंगे. इधर पुलिस भी है. एक्चुअली 27th September है आज, तो आज इंडिया भारत बंद का ये भी है, तो शायद उस कारण से होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है सबसे अच्छी बात क्या थी कि बगल में डाइवर्जन था तो हम लोग वहाँ से निकल गए. बैंगलोर से जो हैदराबाद जाने का रोड है ना, काफ़ी शांत रहता है, मतलब गाड़ियाँ, मतलब मैं जो देखा ज़्यादा तक गाड़ियाँ थी टिल
एयरपोर्ट तक, उसके बाद एयरपोर्ट से थोड़ा नंदेल तक भी थोड़ा थी, उसके बाद से रोड ऑलमोस्ट शांत ही, मतलब बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं, बहुत ही कम हैं। जबकि अगर हम बेलगाम की तरफ जाएं या फिर तुमकुर की तरफ जाएं या फिर मैसूर की तरफ जाएं तो बाप रे बाप, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा जाता है। And a red alert has now been called for in Telangana following a cyclone Gulab. It has. तो मैं पिछले मतलब जब से निकला हूँ 7:15 में जो भी है, तब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बीच में सिर्फ हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था और कोई ब्रेक नहीं लिया हूँ। अभी मैं हैदराबाद पहुँचा हूँ, टाइम कुछ 3:00 हो रहा है, 3 बजे के आसपास मैं हैदराबाद पहुँच गया हूँ और 550 किलोमीटर कवर हो चुका है। और यहाँ से नागपुर 500 किलोमीटर और है, तो आई हैव नो क्लू कि आज कवर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी मौसम भी जो है कुछ इस तरह से मौसम है। और साइक्लोन, कोई तो साइक्लोन है जो उड़ीसा के तरफ से आया है, तो वो आया हुआ है, तो इसलिए उम्मीद है कि शायद आगे और भी बारिश मिले। तो देखता हूँ मैं, दिन होने तक जहाँ तक होता है मैं जाने की कोशिश करता हूँ, उसके आगे कहीं रिस्क नहीं लूँगा। अब वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी, तो हुआ क्या है कि रात भर सही से मैं सोया भी नहीं हूँ ट्रिप के एक्साइटमेंट के कारण, और प्लस बच्चा भी तंग करता है रात में थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नींद सही से पूरा नहीं हुआ है, मैं बहुत नींद आ रही है। तो रुकता हूँ पहले कहीं खाता पीता हूँ, अभी तक लंच नहीं किया है, किया हूँ मैंने तो रुकता हूँ पहले, देखता हूँ कहाँ पे रुक, मतलब होटल अच्छा वगैरह है तो वहाँ रुकता हूँ, खाता पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। ये है नेहरू टोल प्लाज़ा समथिंग, सॉरी प्लाज़ा तो क्रॉस हो चुका है, तो नेहरू टोल रोड कहलाता है। लास्ट टाइम जब मैं 2016 में पटना से वापस आ रहा था बाइक से, निंजा 650 से, तब तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है इस रोड पे। कितना लेन है ये? 1, 2, 3, 4, 5 लेन है, तो इस पे मेरे को चढ़ने नहीं दिया था, तो मैं नीचे से आया था, काफ़ी टाइम लग गया था। आई थिंक ये 15 मिनट में पूरा हैदराबाद क्रॉस करवा देगा। बहुत ही बुरी तरह से बारिश हो रही है, पिछले 150 किलोमीटर से बारिश पीछा ही नहीं छोड़ी है। विजिबिलिटी कम है, लेकिन जब कैमरा में अगर देखो तो विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा दिखता है। जैसे हैदराबाद से, आई थिंक हैदराबाद से 100 किलोमीटर पहले जो बारिश स्टार्ट हुई है, कंटिन्यूस बारिश चली जा रही है, और करीब करीब मुझे लगता है 3-3.5 घंटा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा बारिश है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे और ज़्यादा आगे जाना चाहिए। तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ से मतलब 1 घंटे का मैक्सिमम मेरे पास बफर है, तो 1 घंटे में जो भी मुझे डिसेंट सा होटल या रूम मिलता है मैं वहाँ रूम लेकर रुक जाऊँगा। तो ये सेफ नहीं लग रहा है कि इस तरह के कंडीशन में, चेक दिस, काफ़ी ज़्यादा जगह वाटर लॉगिंग है। तो बेस्ट यही है कि कहीं पे होटल लेके रुक जाते हैं, कल सुबह में फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। गूगल मैप पता नहीं कहाँ से नेविगेट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हर जगह पानी लॉग है। ये तो स्पीति पहुँचने से पहले ही काफ़ी सारा एडवेंचर हो चुका है, कम से कम नहीं भी तो मैं 3-4 वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किया हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरा अभी GoPro काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। मस्त मस्त वाटर क्रॉसिंग 2-3 किया हूँ मैं भी, हर जगह पानी भरा हुआ है। तो ये होटल था जहाँ पे मैं रुका हुआ था कल रात में, करीब करीब 8:30 के आसपास मैंने चेकिंग किया है यहाँ पे। ये जगह है सिकंदराबाद, शायद निज़ामाबाद, तो मैं निज़ामाबाद में हूँ और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। टाइम कुछ 7:30 हो रहा है। यस, तो कल जो मैंने ड्राइव किया है वो मैं बता देता हूँ। कल जो मैंने ड्राइव किया है 770 किलोमीटर्स, अच्छा है, ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि रात में बहुत कल बारिश होने लगी, तो ज़्यादा खींच नहीं सका मैं गाड़ी। प्लान तो था कि कल कम से कम नागपुर तक पहुँचूँ, लेकिन नहीं हो पाया।
लेकिन कोई नहीं, आज देखते हैं, आज भी बहुत लेट हो गया क्योंकि कल रात में मेरी नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए सोने में दिक्कत हुआ, और आज देखते हैं कहाँ तक खींच सकता है। कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, ये सिकंदराबाद में, निज़ामाबाद में ज़्यादा होटल भी नहीं थे, बहुत मुश्किल से मुझे ये ऑर्डर मिला, ना ओयो पे कुछ था, ना फिर गो आई बीबो पे कुछ था, ना मेक माई ट्रिप पे कुछ था, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, क्या बोलते हैं, गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि पास में होटल है, तो मैंने ये ले लिया। और अभी निकलते हैं, मुझे एक ATM के लिए रुकना है, फिर सीधा बढ़ेंगे नागपुर की तरफ। पूरे रोड पे हर जगह वाटर लैगिंग हो चुका है, जिस तरह से यहाँ चल रहा है, ये ट्रक खराब हो गया पानी के कारण। चेक दिस उस साइड के रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है, इसलिए हम लोगों को बोला कि रॉन्ग डायरेक्शन से जाओ। एक्चुअली इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को, काफी जगह वाटर लॉगिंग है, बड़ा बड़ा है वाटर लॉगिंग। अभी तक मेरा तो ठीक ठाक इधर से चला जा रहा है। इंटर होने से पहले ही इतनी सारी गाय है रोड पे, मैं क्या बताऊँ, मतलब और भी सारी गायों को, मतलब इतना सारा जगह है लेकिन सब लोग मेन रोड पे बैठे हुए हैं। टू डेंजरस, एक तो अभी कुछ देर पहले क्या हुआ कि एक गाय सीधा नीचे आ गई, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह का हो सकता है, तो तुरंत कंट्रोल कर लिया गाड़ी को, तो मैं अभी गाड़ी को पूरा ऑलमोस्ट लेफ्ट में चला रहा हूँ। रीज़न यही है कि जो डिवाइडर है, जनरली गाय वहाँ से जंप मारती है, गाय हो या फिर कोई भी जानवर हो, कुत्ता वगैरह भी, तो इसलिए मैं उस साइड में रखा हुई गाड़ी जहाँ से मतलब मेरे को रिएक्शन करने में थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम मिले रिएक्शन के लिए। तो अभी मैं पहुँचा हूँ, एक्चुअली MP में इंटर कर गया हूँ, लगता है कि आज मैक्स टू मैक्स जा सकता हूँ सागर। सागर से जाना, से आगे जाना मुश्किल है। टाइम हो रहा है 4:00, और मतलब मैक्स टू मैक्स मेरे को लगता है 200 किलोमीटर और खींच सकता हूँ, इसके आगे जाना शायद डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 200 किलोमीटर के आसपास में ही है सागर है, तो वहाँ सोच रहा हूँ वहाँ जाकर रुकता हूँ आज, कल जाऊँगा दिल्ली के लिए पहुँचूँगा कल। एक दिन में 700-750 किलोमीटर जा रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ डिसेंट, ज़्यादा थकान भी नहीं हो रहा है। अभी यहाँ रुका हूँ मैं, ये कोई जलसा रेस्टोरेंट है, जो जगह है ये सियोनी कहलाता है, नागपुर से आई थिंक 100 किलोमीटर आगे होगा। तो एक चीज़ मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये सियोनी टाइगर रिजर्वायर है तो उसके लिए फेमस है, तो मैं देख रहा हूँ कि रोड के दोनों साइड ना फेंस लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब बकरियाँ वगैरह तो है ही रोड पे, लेकिन कम से कम जो जंगली जानवर है वो जंप करके इधर नहीं आएंगे, वो एक चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे। तरफ गाय भाई, लोग रोड पे ही हैं, साइड होना भी नहीं इनको। रोड पे मीटिंग चल रहा है, ओह माय गॉड, तो करीब करीब 7:30 के आसपास मैं पहुंच गया था होटल में। ये होटल है तिपाली समथिंग, ये मेन रोड से हार्डली 1 किलोमीटर अंदर आके है। तो ये होटल मेरे फ्रेंड यहाँ पर, मेरा फ्रेंड यहाँ रहा था, तो उसने सजेस्ट किया कि यहीं पर जाकर रहो, और अच्छा होटल है।
तो आया अच्छा है, होटल है मतलब सब सही है, सब अच्छा लगा। रास्ते की बात करूँ तो आज के दिन डे वन में मैंने कवर किया था 770 किलोमीटर, डे टू में मैंने कवर किया 750 किलोमीटर, तो आज दूसरा दिन था और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैं सोचा कि कम से कम एक ही वीडियो को यहाँ मतलब बैंगलोर से लेकर सागर तक का एक वीडियो बनाऊँगा, सागर से लेकर दिल्ली तक का दूसरा वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद जैसे स्पीति सीरीज चले वैसे मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो रोड अपडेट दे देता हूँ कि रोड काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई इशू नहीं है, सिर्फ नागपुर पहुँचने से 100 किलोमीटर पहले 150 किलोमीटर पहले रोड ख़राब हो जाता है। ख़राब ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे पॉट होल्स हैं, कहीं कहीं तो ऐसा है कि रोड एकदम चिकना है, बड़े बड़े पॉट होल है एक, ठीक है। तो क्योंकि बारिश भी काफ़ी हो रही थी और आज भी जैसे मैं सुबह में निकला, वाटर लॉगिंग बहुत जगह था, करीब करीब मुझे लगता है कि पूरा जब तक मैं आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना शायद, तब तक बारिश मतलब थी, मतलब तब तक बाद काफ़ी देर तक बारिश थी। महाराष्ट्र में एंटर करने के आई थिंक 50-60 किलोमीटर तक बारिश थी, उसके बाद बारिश नॉर्मल हो गया, नहीं था बारिश। कल जो है कल सीधा दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का निकलने का प्लान था, कल शाम में निकलने का प्लान था, लेकिन आई डोंट थिंक कल बुध राइट, परसों शाम में निकलने का प्लान है, तो परसों शाम नहीं तो फ्राइडे का मॉर्निंग निकलने का आपको होगा, प्रॉब्ली 3 o'clock या 2 o'clock निकलेंगे हम लोग स्पीति वैली के लिए। तो अभी मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे मुझे दिल्ली पहुँच के कोविड टेस्ट करवाना है, तो वो भी एक चीज़ है, तो जाके देखते हैं कैसे होना है, क्योंकि सर रिपोर्ट भी आना है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो आई होप यू गाइस आर लाइकिंग माय वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, सब्सक्राइब ऐसे भी फ्री है राइट, और मिलते हैं अगले वीडियो में।